नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और ये तस्वीर आप देखिए, ये 28 पार्टियों को मिलाकर एक अलायंस बना, नाम दिया गया इंडिया, जी हां INDI अलायंस। और वजह थी इन सभी के एक मंच पर साथ आने की, बीजेपी को 2024 के चुनाव में मात देना। लेकिन आज हुई वर्चुअल बैठक के बाद एक बार फिर इन 28 दलों के गठबंधन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात होगी इंडी गठबंधन की, जिसका मकसद बीजेपी सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का है। लेकिन यह मकसद विरोधियों से ज्यादा अपनों और अपने सियासी भविष्य की चुनौतियों से घिरा हुआ है। बीजेपी और एनडीए के विरोधी दल तो एक साथ आ गए, लेकिन इनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं। अट्ठाईस दलों को मिलाकर बने इंडी गठबंधन ने इस संकल्प के साथ आकार लिया कि 2014 और 2019 में मिली करारी शिकस्त का बदला 2024 में लिया जाएगा। लेकिन इस गठबंधन में अपनी ढपली अपना राग चल रहा है, ना नेता तय हो पा रहे हैं, ना नीति, ना सीट बंटवारा और ना ही चेहरा। बस कुछ है तो वो है बैठकों का दौर, दावों का दम और बयानों की बौछार। आज एक और बैठक हुई, वर्चुअल मंथन हुआ, तो उम्मीद थी कि आज इंडी गठबंधन का संयोजक तय हो जाएगा। लेकिन सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने उम्मीदों को झटका दे दिया। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराते हुए गेंद कांग्रेस के पाले में ही डाल दी और कांग्रेस से संयोजक बनाए जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है, हुई है उनकी बात। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई, मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। संयोजक को लेकर इंडी गठबंधन में ऐसी किचकिच मची है कि अब नीतीश कुमार इस रेस से आउट हो गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लालू प्रसाद यादव दौड़ में शामिल हो गए हैं। इंडी गठबंधन अपनों की ही चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में भला बीजेपी कहां चुप रह सकती थी। कहां मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा। इंडिया गठबंधन का जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना, इनका नेता है कोई ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। तो तीन राज्यों में हार के बाद अब सामने है 2024 की जंग, लिहाजा सियासत दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चरम पर है। लड़ाई बड़ी है, लिहाजा दावे भी बड़े हैं और आरोप भी। दिल भी मिले हुए हैं, दल भी मिले हुए हैं, और ये सब मिलके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दलदल में धकेलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं, और इसलिए धीरे धीरे ये बैठकें चल रही हैं कि जब चुनाव का समय आए उसके पहले किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे, पूरी एकजुटता हो जाए। और आप देखिएगा, कल से राहुल जी की जब यात्रा शुरू होगी तो देश का माहौल बदल जाएगा और गठबंधन का माहौल बदल जाएगा। देखिए, ये इंडी नाम का गठबंधन ठगबंधन है, अहंकारी है, घमंडिया है, ये बात बार बार सिद्ध हो गई है। छोटे छोटे दलों के छोटे छोटे नेताओं के बड़े बड़े अहंकार हैं, एक दूसरे के साथ में न दिल मिला है, न दल के कार्यकर्ता मिले हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी आड़े आ रही हैं, इनका नीति से कहीं कोई सरोकार नहीं,
देश के विकास से, देश की अस्मिता से कहीं कोई सरोकार नहीं। केवल गुरोह बनाकर सरकार में बैठने की मंशा पाले हुए हैं, जो जनता कभी भारत की कामयाब होने नहीं देगी। तो छोटे छोटे दल और बड़ा घमंड, ये कह रही है बीजेपी। तो कांग्रेस का कहना है कि धीरे धीरे सफर तय कर रहे हैं, ताकि जब 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हो तो कोई भी गलत फहमी ना हो। लेकिन सवाल कुछ उठ रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट में, वो सवाल क्या है हम आपको दिखाते हैं। पहला सवाल है, INDI गठबंधन में फूट तो भला कैसे होंगे एकजुट, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी से कैसे निपटेंगे भाई, आपस में झगड़ा कब खत्म होगा आपका। और तीसरा सवाल क्या है, विपक्षी दल तो मिल गए लेकिन दिल कैसे मिलेंगे। और इन सवालों के ही जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता है राजपाल सिसोदिया जी, शहरयार खान साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, रमाकांत पटेल जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरमन नगेले जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, यश भारतीय हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, 28 दल मिलकर एक मंच पर आए, गठबंधन बनाया इसलिए ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सके, लेकिन यहां तो आपकी अलायंस का संकट खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अर्पणा जी, आपको सही समय पे पूरे गठबंधन में अलायंस भी दिखेगा, चेहरा भी दिखेगा, और हमारे जब दल मिले हैं तो दिल भी मिले हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निश्चित ही जो चीज बाद में कोई विवाद पैदा करे, सीटों का बंटवारा हो रहा है और एक एक सीट पे गहनता से विचार विमर्श के बाद सारे अनुभवी नेता हैं, उसको पूरा फाइनलाइज करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना खान साहब कि दल छोटे छोटे हैं लेकिन घमंड बहुत बड़ा है। देखिए मैं आप ही की इस स्टोरी में देख रहा था जेपी नड्डा जी को, जो खुद मिस कॉल पार्टी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या भाजपा के केंद्रीय मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपनी गिरेबान में झांक लीजिए, आपके पास कहाँ है आपके अलायंस, उनको तो बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो कोई अपनी सीट के बारे में बात कर ले, जो उनको दे दिया जाएगा वही अपना प्रसाद समझ के चुपचाप ले लेंगे, ऐसा यह हिटलरशाही गठबंधन है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया, और इंडिया की आवाज है, इंडिया के हर राज्य से ये विपक्ष के जो अलायंस है, ये निश्चित ही आपको अर्पणा जी मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अभी चुनाव में लगभग 2.5-3 महीने का समय है, और अप्रैल में भी हम माने तो अभी हम जनवरी में है, ये सारी चीज जनवरी एंड होते होते तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि अब ये देखिए चुनाव कैसे लड़ते हैं, जनता इनके साथ आती नहीं आती। निश्चित ही ये लोगों की परेशानी ये है कि इस अलायंस से जिसमें इतनी 28 हमारी पार्टी है और सारे वो देश की आवाज को अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, इससे ये घबरा के परेशान है, इसीलिए ये सारे इवेंट और प्रपंच और सारा इनका दर्द बार बार झलक ले आ रहा है। भैया आपको अगर इतना ही देश की जनता पे भरोसा है तो चुपचाप होके देखिए ना, आपको काय का घबराहट है, काय को आप इतना विचलित और परेशान है, ये तो उनके चरित्र बताता है कि जिसके अंदर घबराहट और वो मची है, क्योंकि उनको मालूम है कि देश का आज भी जो इस इंडिया अलायंस के साथ है लगभग 63% वोट शेयर है, और 63% वोट शेयर जिन पार्टियों के साथ होगा तो निश्चित ही भाजपा की लुटिया डूबने वाली है, उसी से घबरा के परेशान होके इस तरह के ये बोल वचन कर रहे हैं। घबराहट नहीं हो तो आप अपना काम करिए। राजपाल जी, जिन्हें आपकी पार्टी घमंडिया गठबंधन बताती है, वो घमंडिया गठबंधन आपकी नैया यानी कि बीजेपी की नैया डुबो देगा, ये कह रहे हैं खान साहब। आप मंदी मंद मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट के पीछे क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या नर्वसनेस है, क्यों घबराई हुई है बीजेपी भाई, बता दीजिए शहरयार खान साहब को। नमक के डिब्बे पे शक्कर की नेम चिट चिपकाने से अंदर शक्कर नहीं हो जाती है। ये घमंडिया गठबंधन जो है, परस्पर विरोधी लोग, एक दूसरे के जानी दुश्मन लोग राज्यों में, ये केंद्र में एक साथ बैठने की बात कर रहे। अरे भाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ता है किसके साथ बैठने के लिए। अगर आपने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हो तो वो बताओ पहले देश की जनता को। अब आप लोग आपस में जो है अलायंस बना के अलाइनमेंट करने की बात कर रहे हो, तो अलाइनमेंट कैसे होगा भाई, एक कार के अंदर एक टायर कार का, एक ट्रक का, एक ट्रैक्टर का, एक जेसीबी का, और खेलों का अलाइनमेंट इस अलायंस का होगा कैसे होगा भाई।
आप जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में एक घटना हमने देखी, और वो घटना ये थी कि कमलनाथ, आपकी आवाज पे बैठ के साथ में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ जी बोले थे कि अखिलेश वखिलेश को मैं नहीं जानता हूं, तो नतीजा देख लिया प्रदेश की जनता ने दिया उनको। मध्य प्रदेश में और देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस और बाकी दल अलायंस की बात कर रहे हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे को ठगने वाले ठग है, जो सब एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। सबके मूल में अगर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि सभी लोग भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होकर अपने भ्रष्टाचारों के ऊपर पर्दा डालने के लिए एक ठगबंधन बना लिया। अच्छा। और घमंड देखो इनका, घमंड की हालत यह है कि कोई किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो अपने अपने दाल छिपाने के लिए सभी ने गठबंधन की चादर ओढ़ ली है, ये कहना चाह रहे हैं आप। लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत पटेल जी, आज एक तस्वीर सामने आई, बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर भी थी ये। कहा जा रहा था कि बड़े ही दिनों से मुलाकात के प्रार्थी थे, यानी कि मुलाकात करना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, फाइनली मुलाकात हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। सर, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक नई शुरुआत है, कुछ और आगे बढ़ गए हैं, क्या माना जाए इसे? देखिए अपर्णा जी, आम आदमी पार्टी और बाकी दल जो 28 दल हैं इंडिया गठबंधन में, वो पूरे दिल से जुड़े हुए हैं इस गठबंधन में, और एनडीए और मोदी जी को, भाजपा को, ये पूरे दल मिलके हराएंगे। दूसरा, अभी तो मैं सुन रहा था कि ये ठग है, ठगबंधन है, ठग कौन है ये जनता जान रही है। किसने कहा था हर खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ रोजगार, युवाओं को बहुत हुई महंगाई की मार, तो ठग कौन है देश का ये सब जान रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि छोटे छोटे दल और बड़ा घमंड, छोटे छोटे दल और बड़ा घमंड, ये शब्द इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जो पार्टी 38 पार्टियों के साथ, 37 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही है, और जिसमें 25 ऐसी पार्टियां हैं जिनका देश के अंदर एक भी सांसद नहीं है, तो वो 25 ऐसे दलों के साथ जो लड़ रहे हैं, उनके कौन से दल है भाई? छोटे छोटे दल और बड़ा घमंड। तो बड़ा घमंड भारतीय जनता पार्टी का है, और ये घमंड में मदमस्त होकर के, चाहे जिसके ऊपर ईडी की कार्यवाही कराती है, बेकसूर लोगों को, काम करने वाले लोगों को जेल पहुंचाने का काम करते हैं, ईडी का डर दिखा करके भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, चाहे हेमंत विश्व शर्मा का देख लो, नारायण राणे का देख लो, अजीत पवार का देख लो, ईडी का डर दिखा दिखा करके अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करते हैं। देश की जनता समझ भी रही है, और देश की जनता सही समय पर सही जवाब भी देने वाली है। जी यश भारती जी, आप बताइए, क्योंकि यूपी एमपी के चुनावों का हवाला देते हुए आपके अलायंस की भी जिस तरह की बयानबाजी होती है नेताओं के बीच, उस अलायंस की क्रेडिबिलिटी और मजबूती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आज की इस वर्चुअल बैठक के बाद जो एक नया और संकट खड़ा हो गया, कितना मजबूत आप पा रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल किए, और उन्होंने बड़े बड़े जवाब दिए। बड़ी बड़ी बातें करना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे। जैसा बार बार हो रहा है, इंडी गठबंधन, और इंडी अगर गठबंधन है तो एनडी गठबंधन का नाम लिया जाएगा। हमारी लड़ाई क्या है सर? केंद्र में सरकार एनडी गठबंधन की है कि भाजपा की है, ये स्पष्ट करते भारतीय जनता पार्टी। अगर एंटी गठबंधन की है और गठबंधन को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो एंटी गठबंधन चल रहा है, बीजेपी पार्टी के साथ में जो गठबंधन चल रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इनके जितने सहयोगी दल है इनको छोड़ चुके हैं, इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, जबरदस्ती ये बंधन बांध रहे हैं। जैसे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि रस मदायगी हो रही है, रसमदाई की नहीं हो रही, जबरदस्ती रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं, मामा भांजे का रिश्ता बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अरे साहब, आपके नेता, अरे साहब बोलने तो दीजिए अपर्णा जी, इनको रोक दीजिए बेचारे, बड़ी बड़ी बातें करके थके ही हैं। सिसोदिया जी, अपर्णा जी इनको अपने समय में बोलने का मौका दीजिए, याद दिलाना चाह रहा हूं। सिसोदिया जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा, बोलने दीजिए। और ये मर्यादित रहते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और गठबंधन को रहते हुए ये बात करते हैं कि गठबंधन नहीं हो रहा है। इनके गठबंधन की सरकार, अटल सरकार जो चली, उसके संयोजक थे स्वर्गीय श्री शरद यादव जी। आज उनकी पुण्यतिथि या जयंती पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं होना चाहता।
मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश के अधीन ही उनका समाधि स्थल आता है, वहां कोई फूल चढ़ाने नहीं जाता, एक मूर्ति स्थापित करने की बात नहीं होती। तो ये बहुत कम समय मिलता है हमें डिबेट के लिए, मैं लेकिन मूल सवाल पर आ जाती हूँ। गठबंधन की मजबूती पर मैंने आपसे सवाल किया था और दूसरा ये जी याद दिला रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको तो याद होगा ही, आप ही की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी, उन्होंने कहा था कि हम वक्त दे रहे हैं 14 जनवरी तक का, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले सीटों पर बंटवारा हो जाना चाहिए, उस अल्टीमेटम का क्या? नहीं नहीं देखिए, अल्टीमेटम जैसी बात नहीं थी, बात यह हुई थी कि समाजवादी पार्टी के लोग भी राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होंगे, तो उस पर यह बात उन्होंने कही थी कि सबसे पहले सीट शेयरिंग हो जाए, सीट शेयरिंग होने से मजबूती के साथ प्रत्याशी या उस दल के लोग मजबूती के साथ उस क्षेत्र में खड़े रहेंगे जिस क्षेत्र से वो यात्रा निकलेंगे। किसी को धमकाना, किसी को डराना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, इस चरित्र का दूसरे दल पे कोई असर नहीं होता, ये कम से कम हम लोग उस स्वभाव के नहीं है, हम लोग स्पष्ट बात करने वाले लोग हैं, स्पष्ट बात करते हैं। राजपाल जी बड़ा यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद वो क्यों किया यस भारती जी, यस भारती जी के नेता अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी जो कि राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने अभी इस चुनाव में महीने भर पहले बोला था ये कौन होता अखिलेश अखिलेश मैं नहीं जानता, और आज वो बात कर रहे हैं कि साहब उस राहुल गांधी जी की यात्रा में और कमलनाथ जी की यात्रा में हमको शामिल होना है। अरे थोड़ी तो शर्म करो भाई, बोला जो तुम्हारा नेता, जो तुम्हारे नेता की इज्जत नहीं कर रहा है, तुम उसके पीछे पीछे दो मिला के घूमते फिर रहे, और वो तुम लोगों पार्टी की बात कोई नहीं करता, अलग आप लोगों की अब ये टेम्परमेंट हो गया, हर कोई दूसरी पार्टी के नेता पर बात करने लगता है। मिनिमम मिनिमम एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर सारे दल बैठे हैं, सारे भ्रष्टाचार होके एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, आज जाने का समय रुक जाइए पर खड़गे जी के पास समय केजरीवाल जी के, ठीक है आप एकदम चमचमाता हुआ कुर्ता पहनकर बैठे हैं, तुम थोड़ा सा शांत हो जाइए। नगेले जी नया नया कुर्ता है तो आप भी पहन लीजिए सर, ठीक है सर। मैं नगेले जी सर आगे बढ़ते हो, ये जो टाइमिंग की पर यहाँ बात कर रहे हैं, शहरयार खान साहब बोल रहे थे कि अभी जनवरी का महीना है, 2.5-3 महीने का समय है, लेकिन क्या वाकई समय है? जिस इरादे के साथ ये लोग इकट्ठा हुए थे 28 दल, क्या आपको लग रहा है कि वाकई छोटे दल हैं लेकिन ईगो बड़ी है इसीलिए संकट बड़ा है? देखिए अपर्णा जी, जो आज जो वर्चुअल बैठक हुई है उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए हैं, और जिस हिसाब से जिस गति से इंडिया गठबंधन का जो कामकाज चल रहा है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, उसमें बड़ी असमंजस और दिशा अभी उसकी स्पष्ट नहीं है। एक तो दिशा स्पष्ट नहीं है, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जब संयोजक भी इनका तय नहीं हो पाया, प्राइम मिनिस्टर का इनका कैंडिडेट भी तय नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन को एक मोर्चे पर नहीं 4 मोर्चों पर लड़ना है। पहला मोर्चा है कि जो अभी इस समय देश में एक नैरेटिव सेट हो रहा है 22 जनवरी के बाद से, उससे लड़ना है। दूसरा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो साख है उससे लड़ना है। तीसरा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं उससे लड़ना है। इसके बाद आपका जो जो टिकट का जो सीट्स का जो बंटवारा है आपके जो गठबंधन के माध्यम से उससे लड़ना है। और एक सबसे बड़ी विसंगति इस इंडिया गठबंधन में जो देखी जा रही है कि इस समय आपको एक पूरी रणनीति बनाना चाहिए थी, उस समय आपके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो सर्वोच्च नेता माने जाते हैं राहुल गांधी जी, वो यात्रा पर निकल रहे हैं, न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। इस समय तो आपको इंडिया गठबंधन के साथ लगातार होने वाली बैठकों में आपको शामिल रहना चाहिए, उसमें निर्णय लेना चाहिए, और अभी तक तो आपका कैंपेनिंग चालू हो जाना चाहिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी का कैंपेनिंग चालू हो चुका है, कुछ कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ कुछ उनका मिस्ड कॉल इनका अपना वेबसाइट्स के माध्यम से, और कुछ कुछ उनके सरकारी स्तर पर विज्ञापन भी आना चालू हो गए। सरकारी स्तर का विज्ञापन कैंपेन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो भी उन्होंने कामकाज चालू कर दिया है। और खुद
कांग्रेस तो बोल चुकी है ना कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है वो आरएसएस और बीजेपी एक चुनावी इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हर मोर्चे पर लड़ना ही होगा। शहरयार खान साहब, कहीं ये ना हो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के चक्कर में बहुत देर हो जाए। देखिए अर्पणा जी, कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है इसमें सारे वरिष्ठ और धुरंधर लोग हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी बड़े चुनाव के मैनेजमेंट को देखा है। भाजपा की बात करें तो भाजपा सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जैसे नगेले जी बोल रहे हैं मिस कॉल पार्टी है, निश्चित ही मिस कॉल में ही रह जाएगी। कल से हमारी भारत जो न्याय यात्रा जो मणिपुर से चालू हो रही है, निश्चित ही देश के कोने से मणिपुर, लेकिन अलायंस के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे ना आप लोग, कल यात्रा पर निकल जाएंगे राहुल गांधी। देखिए पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं और हमारे वरिष्ठ लोग दिल्ली में बैठ के इंडिया अलायंस की सारे कामों को बखूबी निभाएंगे। इसमें भाजपा को विपक्ष की चिंता नहीं करना चाहिए, हम लोग हम तो नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल समन्वय के साथ क्यों करेंगे हम, सिसोदिया क्यों करें आपकी चिंता, समझ आ रहा है क्योंकि आप तो समझ आ नहीं कर रहे भाई, जाति जनगणना देश का नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप भटकाने का काम कर रहे हो देश को, देश को। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जब जब सत्ता से बाहर होती है कांग्रेस तब तब समाज के ताने बाने को बिगाड़ कर जाति व्यवस्थाओं में तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करिए आप, पर समाज अब सशक्त हो चुका है, समाज एकत्र हो चुका है, समाज अब आपके षड्यंत्र में आगे टूटने वाला नहीं है। जानकारी कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी, हमारे पास जी से जानकारी चाहिए थी, जो एनडीए गठबंधन बना था उसके मुख्य संयोजक शरद यादव जी को अपमानित करने का काम किसने किया, आज उनकी पुण्यतिथि पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं गया जिन्होंने शरद यादव जी समय सम्मान नहीं रहे हैं, उनका सम्मान उठा रहा है, मसीहा थे, ओबीसी के अधिकार की बात करते थे, जातीय जनगणना की बात करते, महिला के अधिकारों की बात करते थे। शरद यादव जी, शरद जी का सम्मान पूछ लिया, आप जवाब लेते हैं। शरद जी का सम्मान बरकरार है, वो जब इस लोक में थे तब भी उनका सम्मान होता था, उनकी बात मानी जाती थी, और आज वो इस लोक में नहीं है तो भी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हम करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देने का काम। आप किसके साथ हैं आप, मेरा ये कहना है आप ही सवाल का जवाब दे रहे हैं राजपाल जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए थोड़ा सा कि आप लोग एक 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 तो हो जाए यहाँ मंच पे, तो एक दिखे कम से कम डिबेट में ही एक दिख जाओ, बाकी जगह नहीं दिख रहे हो, समाजवादी और कांग्रेस कम से कम यहाँ पे एक जाओ, एक जवाब की बात कर लो, आप सारे जवाब दीजिए, पैसे जा रहा है तो ये कैसे चलेगा, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग शांत हो जाइए, आप दोनों ने ही जवाब मांगा था राजपाल जी से, जवाब ले लेते हैं फिर रमाकांत जी का रुख करूंगी मैं। दोनों आपस में यही लड़ते हुए दिख रहे हैं तो देश प्रदेश की जनता आपको देख रही है कि भाई यहाँ डिबेट के मंच में बैठे हो, यहाँ तो एक सुर में बात कर लो। ठीक है रमाकांत पटेल जी, पहला सवाल मैंने आपसे लिया था तस्वीर को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीर में साथ साथ नजर आए, मुस्कुराते हुए मिले, मुलाकात में क्या बात हुई वो तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन आगे की राह को लेकर क्या लग रहा है आपको कि साफ हो रहा है जो धुंधलापन छाया हुआ था? देखिए अपर्णा जी, निश्चित तौर पे सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी और इंडिया एनडीए को हराएगा, मोदी जी को हराएगा, भाजपा को हराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन वाले दल हैं, 37 ऐसे दल हैं जिनमें से 25 दलों का तो एक भी सांसद नहीं है, कोई भी पार्टी बना दिए, किसी को भी दल में शामिल कर लिए, और एक तो ऐसा दल है जो लोग शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले हैं, आतंकवादी जो भगत सिंह को कहते हैं, शहीद भगत सिंह को, उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बना के रखा है और उनके साथ मिलके और देश भर के पॉपुलर जितने भी लीडर हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये चुनाव मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ जनता का चुनाव है, जनता लड़ेगी और ये तानाशाही हारेगी। ठीक है, जनता का चुनाव है और जनता ही जवाब देगी, उसके लिए चुनाव का इंतजार करना होगा।
लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस एनडीए अलायंस को हराने की बात इंडिया अलायंस कर रहा है उसका एक फेस है नरेंद्र मोदी, वहां पर एक राय से एक चेहरा है लेकिन विपक्ष का चेहरा एक कब होगा ये सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हमने पूछा कि आखिरकार जिस एकता के बैनर तले INDI अलायंस एक साथ आया, 28 जिले एक साथ आए, तो फिर वो जो एकजुटता है एक चेहरे के रूप में कब सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।